बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, भारी बारिश के चलते ये फैसला लेना पड़ा है, जिसकी वजह से अमरनाथ यात्रा को रोकना पड़ा है। रामबन इलाके में दो जगह जमीन खिसकी है, लैंडस्लाइड हुई है, चंद्रकोट में भी यात्रियों को रोक दिया गया है। तो अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम अमरनाथ यात्रियों का, उन श्रद्धालुओं का साथ नहीं दे रहा है। लैंडस्लाइड्स लगातार हो रही हैं और पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाना पड़ा है और चंद्रकोट में भी यात्रियों को रोक दिया गया है। तो अलग अलग पड़ावों पर जो अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ते हैं, वहां पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। जो पहाड़ है वो दरक कर, टूट कर, खिसक कर नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अमरनाथ यात्री हैं उनकी जान को बड़ा खतरा हो सकता है। और इस वजह से ये बड़ा फैसला यहाँ पर लेना पड़ा है, अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि कब तक रोका गया है इसकी कोई शुरुआती जानकारी नहीं है। उधर अमरनाथ गुफा के पास अचानक तेज बारिश होने से वहां मौजूद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ठीक इसी जगह पर बादल फटने से तबाही मच गई थी, जिसमें कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ी थी। इसलिए जैसे ही वहां तेज बारिश शुरू हुई, अमरनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे श्रद्धालु घबरा गए, जिसके बाद उनमें कुछ लोग बगैर देर किए फौरन वहां लगे सेना के बेस कैंप की तरफ चल पड़े, तो वहीं कुछ आगे बढ़ते भी नजर आए। हालांकि वो मुश्किल से कुछ मीटर ही आगे बढ़ पाए थे कि उन्हें वहां मौजूद जवानों ने वापस बुला लिया। अचानक शुरू हुई बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में वहां पहाड़ों से झरने बहने लगे। कुछ जगहों पर तो पानी की मोटी मोटी धार पहाड़ों से जबरदस्त शोर के साथ बहती सुनाई पड़ी, जिसके बाद अमरनाथ यात्रियों को अलग अलग जगहों पर रोक दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद जब बारिश बंद हो गई, तो श्रद्धालुओं को फिर से दर्शन की इजाजत दे दी गई।